गोपालगंज में जो घटना घटी है विषैला शराब सेवन के उपरांत, उस संबंध में हमारे साथी 21 तारीख यानी कल विजिट किए हैं, और विजिट करने के बाद जो भी बातें सामने आई है, अभी तक जितने समाचार पत्रों में और मीडिया में जो बातें आ रही है उससे अलग दृष्टि वहाँ पर देखी गई है। पता नहीं क्यों समाचार पत्र वाले या जो वहाँ लोग गए हैं उन लोगों ने इसका उद्भेदन क्यों नहीं किया। सबसे पहली बात है कि वहाँ मृतकों की संख्या 50 से ऊपर है, एकदम होना चाहिए, वही कानून बना है वो। जब घर के घर में अगर गिलास पाया जाए या शराब पाया जाए तो घर के मालिक को जब 10 वर्ष की सजा हो सकती है, उन पर मुकदमा हो। जो समस्त बिहार में जो ये घटना घट रही है और शराब बंद किए हुए उनको घोषित नीति आज 4 महीना के आसपास में हो गए, और ये साबित हो रहा है कि शराब बंद नहीं हुए हैं, शराब की बिक्री है। एक इसी में जब आपने ठीक आपने को धन्यवाद देते हैं कि इस वाक्यांश और याद आ गए। रेल पुलिस ने कल 92 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है। वो कौन ला रहा था? सभी छात्र लोग ला रहे थे झारखंड से। तो मेरे छात्र लोग को भी एक तरह से बर्बाद किया जा रहा है। गरीब होते हैं, पैसा नहीं होता है, कोई शोधन नहीं बात होती है, तो उन लोग सोचते हैं कि चलो यही कुछ काम कर लो जिससे पैसा मिल जाए। तो इसमें वो पकड़ा गया है, तो हमारे छात्र को भी एक तरह से भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी नीतीश कुमार है, इसलिए नीतीश कुमार पर भी उसके तहत मुकदमा होना चाहिए। सर, हाँ। अब तक दो पत्रकार भी इस काले कानून के जद में आ गए हैं। पटना में सचिन पत्रकार है, टेलीग्राफ के छायाकार है, उनको फंसा दिया गया। कल पूर्णिया में एक पत्रकार के घर के बगल वाले बाउंड्री में, जिससे बाउंड्री से कोई मतलब पत्रकार को, वहाँ शराब का बोतल फेंक करके उसको फंसाया गया। भाई साहब, यही जी ने बोतल को एक्सेप्ट किया कि हम फेंके हैं फलाने करने पर। हाँ, इसके बाद उस पत्रकार को अशोक कुमार को जेल भेज। यही तो हम कहना चाहते हैं कि क्या कानून एक कानून बनी है गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, पत्रकारों के लिए, छोटे छोटे और कर्मचारियों के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं है। जब बड़े लोगों के लिए है तो उन पर भी ये कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और नहीं तो नीतीश कुमार से हम फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट करते हैं कि एक संस्था नहीं, अनेकों संस्थाओं ने मांग किया है कि आप शराब नीति पर पुनर्विचार करें और विचार करके इसमें मॉडिफाई करें, ताकि कम से कम ये तुगलकी फरमान जो आप उसके माध्यम से आप करना चाहते हैं, एक डंडा से हांकना चाहते हैं बिहार को, वो नहीं चलेगा। और हम समझते हैं जनता में सुबुगाहट हो रही है, जनता आक्रोशित हो रही है, और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, एक चीज। और दूसरा पॉइंट जो आज का समसामयिक है वो है बाढ़ और राहत। हम आप भी जानते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी जाना है, हम लोगों ने भी बहुत जगह देखा है, बाढ़ का प्लानिंग इनका एकदम नहीं था। बाढ़ से कैसे हम निपटें इस संबंध में ये सोए हुए थे, यहाँ का विभाग और प्रशासन सब सोया हुआ था, जिसके चलते आज बाढ़ की विभीषिका आई तो आज झेल रहा है बिहार के लोग। और हम सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 1 महीना पहले भविष्यवाणी की थी कि बिहार में बाढ़ आएगी।